जय सियाराम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों, आपने इसके लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उस पार्ट को भी जरूर देखना। अगर आप बिगिनर्स हो तो उसके में उस पार्ट में जो है मैंने इस रेफरेंस फोटो का आउटलाइन जो है ड्रॉ करके कम्प्लीट किया है, और इस पार्ट में जो है इसका बैकग्राउंड ड्रॉ करके कम्प्लीट करूँगा और उसके फेस को भी ड्रॉ करके कम्प्लीट करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप ही ड्रॉ करूँगा, तो लास्ट तक देखते रहिए। और मैंने लास्ट जो है कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था आजकल, तो मैंने पूछा था कि कर्म वरा है कि धर्म वरा है। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना अपना राय जताया है कि कई लोगों ने कर्म को बराका है, कई लोगों ने धर्म को बराका है। यहाँ पर बहुत मैं बता अपने यहाँ तक जो है संत साधु गुरुजनों से मैंने जितना जाना है सुना है उस हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा, और इसे आपको जानने के बाद ये कॉन्सेप्ट जो है आपके आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जो है हमें अच्छे से धर्म के बारे में पता नहीं, तो इसलिए हम जो है बहुत सारे लोग कर्म को बरा कहते हैं। तो यहाँ आखिर धर्म क्या है? लोगों को लगता है कि मंदिर में जाना आना, पूजा करना, दिया धराना या फिर धूप धूना लगाना, यही पूजा है। अगर आपको ऐसा ही पूजा लगता है तो आपने अभी तक धर्म को जाना ही नहीं। हम लोग कहते हैं कर्म करो कर्म करो, कर्म ही पूजा है। जो लोग ये कहते हैं उनको कर्म के बारे में भी नहीं पता है कर्म आखिर क्या होता है। देखो आप लोग, अब बताता हूँ, आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। तो देखो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो वो भी कर्म है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ बातें कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ कर्म के बारे में, यह भी मेरा कर्म हो रहा है। आप रोज़ सुबह जल्दी उठते हो, आपका वो भी कर्म है। आप रोज़ सुबह देर से उठते हो, वो भी आपका कर्म है। कोई सारा पी रहा है वो भी उनका कर्म है, कोई दूध पी रहा है वो भी कर्म है, और कोई किसी को बेवजह पीट रहा है, मार रहा है, वो भी उसका कर्म है। कोई जो है कोई मुसीबत में पड़ा है, उसको कोई बचा रहा है, वो भी उसका कर्म है। कोई मुलजिमों को सजा दे रहा है, वो भी उसका कर्म है। कोई बेईमानी कर रहा है, वो भी अपना कर्म कर रहा है। कोई ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, वो भी उसका कर्म है। कोई हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है, बलात्कार कर रहा है, वो भी उसका कर्म कर रहा है वो। और कोई किसी बहन बेटियों को इज्जत लूटने से बचा रहा है, वो भी उसका कर्म है। तो हमें पता कैसे चल गया कि कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं? तो अब बताओ, हम कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही बरा है। तो कोई शराब पी रहा है वो भी उसका कर्म है, तो वो उसका पूजा हुआ आखिर हिसाब से। कोई किसी को बहन बेटियों के साथ इज्जत लूट रहा है वो भी उसका कर्म है, तो वो उसका पूजा हुआ। और कोई निर्दोष लोगों को, जीवों को, जानवरों को मार रहा है, तो क्या उसका यह कर्म इसका पूजा हुआ? अगर नहीं तो आप ही बताओ कर्म कैसे बरा हुआ। तो हमें यहाँ पे जो है पता करना होगा, यहाँ पे दो कर्म है, अच्छा कर्म बुरा कर्म। तो हमें यहाँ पे जो है कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं, ये कौन बताएगा? इसका एक साधारण सा सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आटे को ले लो, जैसे आटे में जो है अच्छे आटे भी होते हैं, उसमें कूड़े दाने भी होते हैं और उसमें अच्छे आटे भी होते हैं। तो हम अच्छे आटे और कूड़े दाने वाले जो है उनको डिवाइड कैसे करेंगे, उसको अलग अलग कैसे करेंगे, कैसे किया जाता है? सिंपल सा, चलनी से हम चालेंगे तो जो है अच्छा आटा अलग हो जाएगा, अच्छा आटा ऊपर रह जाएगा और बुरे जो आटा है कूड़े दाना वो नीचे गिर जाएगा। ठीक उसी तरह हम जो है कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, वो उसे हम कैसे चलेंगे, उसको कैसे डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड होगा धर्म से। तो धर्म ही हमें बताएगा कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं। जैसे शराब पीना बुरा कर्म है, दूध पीना सही कर्म है। बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटना उनका बुरा कर्म है। बहन बेटियों का इज्जत करना, सम्मान करना सही कर्म है। निर्दोष लोगों, जीव जंतुओं को दुख देना बुरा कर्म है। सभी लोगों को सुख देना अच्छा कर्म है। और मैं आप लोगों को बेवजह गाली देना शुरू कर दूँ, ये बुरा कर्म है। और मैं आप सभी को जो है सम्मान करूँ, अच्छे से बात करूँ, वो अच्छा कर्म है। तो कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं, ये हमें कौन बता रहा है? यही तो हमें धर्म ही बता रहा है। तो आप कर्म से अगर धर्म को हटा दो तो चारों तरफ अधर्म कुकर्म ही फैल जाएगी। तो इसलिए जो है धर्म को छोड़ के कर्म का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसीलिए तो राजा हरिश्चंद्र राम जी ने, श्री राम जी ने, राजा दशरथ जी ने कहा है, प्राण जाए पर धर्म न जाए, वचन न जाए। तो आई होप आप लोग ये जो धर्म कर्म का कॉन्सेप्ट था वो आप लोगों का जो है क्लियर हो गया होगा, और आप इस बात को जो है कभी नहीं भूलेंगे। तो और बाकी जो हम पूजा करते हैं, मंदिर आते हैं जाते हैं, ये तो हमारे धर्म नहीं, ये हमारी श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है। तो जिन जिन का ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है कभी नहीं भूलेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जब से हम आप पैदा हुए तब से हम कर्म करे बिना जो है रह नहीं सकते। हर पल, हर एक सेकेंड, हर एक पल हम कर्म ही कर रहे हैं। सुनना, बैठना, सोना, सपने देखना, ये सब कर्म है। तो धर्म ही हमें बताएगा कौन सा कर्म करना सही है कौन सा कर्म गलत। तो जैसे हम बाइक चलाते हैं वो हमारा कर्म हो रहा है, और हम हेलमेट लगा लेते हैं बाइक चलाने के समय जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को, तो वो हो गया हमारा धर्म। तो धर्म हमें जो है प्रोटेक्ट करते हैं कुकर्म अधर्म करने से।
आप लोगों का और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। कमेंट का रिप्लाई नहीं दे सका था उसका वीडियो बना दूंगा। और आप लोग आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को, मैंने जो बताया है वो आप लोग ध्यान से सुना है आप लोगों को, तो आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जो लोग ये कहते हैं कर्म बरा धर्म बरा, इसमें जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो ज़रूर शेयर करना। तो इस वीडियो में, इस आर्टवर्क में जो है मैं जिस तरह से लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग भी इस तरह से ड्रॉ करना स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आर्टवर्क जो है इसमें जो है फेस को ड्रॉ करके मैं कंप्लीट कर दूंगा, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका आगे का आर्टवर्क दिखाऊंगा। तो अपने वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, बहुत जानना जरूरी है। आजकल जो है यूथ लोग जानते नहीं है इसके बारे में बहुत सारे लोग, तो इसलिए इस तरह का जो है सवाल करते हैं। और हम जो है स्पिरिचुअल बुक्स किताब, और हम जो है गुरुजनों से हम बातें इस तरह से जरूरी इम्पोर्टेंट ज्ञान जो है नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमें इस तरह का जो है हम सवाल करते हैं, हमारा जो है डाउट रहता है। तो इस तरह से जो हमें जानने वाली इस तरह से बातें जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो मैं कोशिश करूँगा हर एक संडे को लाते रहने की। तो हम आर्टवर्क को यहाँ पे जो है ये ऑरेंज कलर से यहाँ शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है फेस जो है मैं ए फोर साइज़ में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो काफ़ी फेस जो है काफ़ी छोटा होने वाला है, तो आपको अच्छे से कैमरे में भी नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत छोटा है ना। इसलिए आप चाहे तो A4 आप किस साइज़ में ड्रॉ कर रहे हैं इस रेफरेंस फोटो को, अगर आप आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और ये आर्ट कॉम्पिटिशन में जो है इस रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करने को दिया है सचिन आर्ट उनका चैनल का नाम है, तो आप चाहें तो जहाँ विजिट करके आप जो है ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसके बाद जो है कॉटन बार से भी ब्लेंड कर रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे से काफ़ी छोटा है इसलिए आपको ध्यान से रखना, ध्यान से देखना होगा कहीं और जगह ब्लेंड ना हो जाए, बहुत सावधानी से आपको शेडिंग ब्लेंडिंग करना है। और इस आर्टवर्क को मैंने जो है साढ़े तीन घंटे लगा है, क्योंकि बैकग्राउंड में जो है डेढ़ घंटा लगा क्योंकि अच्छे से लेयर वाइज ही करना पड़ा इसलिए, और फेस में जो है पूरा 1 आवर्स और बाकी एडिटिंग और कुछ काम था, तो इसे मिला के 3.5 घंटे तो लग ही गए। तो आपको लेयर वाइज इस तरह से करते जाना है और आपका आर्टवर्क जो है बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। स्किप नहीं करना है लेयर्स, जो अगर आप विनर बनना चाहते हैं, आप जितना विनर बनने का चांस, अगर आप विनर जीता विनर बनना चाहते हैं तो आप उतना ही जो है आपको डिटेलिंग लेयरिंग ज़्यादा करना चाहिए, जो कहीं पर जो है स्किप नहीं करना चाहिए। हम लोग कहीं पर जो है फेस को ड्रॉ करते हैं बाकी बॉडी पार्ट को जो है स्किप कर देते हैं, तो यही हमारा माइनस पॉइंट है। खासकर आर्ट कॉम्पिटिशन में तो जितना रेफरेंस फोटो है उतना हर एक पार्ट को डिटेल्स में ड्रॉ करने की कोशिश करना चाहिए अगर हम विनर बनना चाहते हैं। हमने इतना मेहनत करके एक आर्टवर्क को ड्रॉ किया, थोड़ा और मेहनत करके और उसे और अच्छे से बनाते क्यों नहीं है। तो यहाँ पे जो आर्ट कॉम्पिटिशन में बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, हमसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आते हैं तो वो भी अच्छा बनाएंगे, तो हमें जितना हो सके 100 से भी ज़्यादा, खुद से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और चैनल में अपडेट रहना चाहिए, कोई कोई अगर एंट्री वीडियो लाए तो देखना चाहिए वो लोग कैसा आर्टवर्क जो है अपलोड कर रहे हैं, उससे बेटर करने की कोशिश करो, तभी जो है आप विनर बनना बन पाओगे। और मैंने जो आर्ट कॉम्पिटिशन में विनर बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा तो आपको मेरे चैनल में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके वो वीडियो भी देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग जो है नहीं देखते हो इसलिए बाद में विनर भी नहीं बन पाते हो, थोड़ा सा टाइम है, 4-5 मिनट का वीडियो है, आप लोग जरूर देखो, तो बाकी आप जो है आगे विनर बनने, कभी ना कभी तो विनर बनोगे ही, टॉप विनर भी नहीं बने टॉप में ही रहोगे। अगर आपको इसका आउटलाइन वाला वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल में विजिट करो, आपको वीडियो मिल जाएगी और आगे आने वाले वीडियो भी आपको चैनल में बने रहेगा। और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम में भी जुड़िएगा। तो जय सियाराम।